कर्नाटका इंडिया का सातवां सबसे बड़ा स्टेट। यहाँ के फॉरेस्ट तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं और स्टेट का 20% से ज्यादा एरिया कवर करते हैं। यहाँ मौजूद एवरग्रीन फॉरेस्ट दुनिया के 35 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक हैं। खैर, इस किताबी ज्ञान से उस OMG इंसान की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने कर्नाटका की मिट्टी पर जन्म लिया और पेड़ों की ऐसी नॉलेज को हासिल किया कि आज सब उन्हें कहते हैं फॉरेस्ट की इंसाइक्लोपीडिया, पद्मश्री तुलसी गौड़ा जी। इनसे मिलने आज OMG आ पहुंचा है कर्नाटका के अंकोला तालुका में बसे होनाली गांव। मुझे जंगल से बहुत प्यार है, यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जंगल मेरा परिवार है, उनसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पेड़ों को अपने बच्चों से भी ज्यादा समय दिया है। दोस्तों, तुलसी जी अंकोला तालुका के फॉरेस्ट एरिया में काम करती आई हैं, जो 750 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। यहाँ मिलते हैं कई तरह की ट्रीज, जैसे यूकेलिप्टस, सागवन, शीशम, जैकफ्रूट, नीम, पीपल, बैम्बू, मैंगो और सैंडलवुड। और तुलसी जी के पास इन ट्रीज और इनके सीड्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी है, जैसे इन्हें कब उगाना चाहिए, कब इनका फ्रूट पकेगा और कब सीड कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन तुलसी जी ने ये सारा ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि इन पेड़ों के बीच जिंदगी बिता कर पाया है। शुरुआत हुई 12 साल की उम्र में, जब हलक्की ट्राइब में जन्म लेने वाली तुलसी जी ने अपनी माँ के साथ लोकल नर्सरी में पेड़ पौधों की देखभाल करना शुरू किया। कुछ ही वक्त में उन्होंने पेड़ों की ऐसी नॉलेज हासिल कर ली जिससे वो सीड को सिर्फ देखकर या छूकर बताने लगी कि उसे ग्रो करने के लिए कैसा सॉइल, कैसा क्लाइमेट, कितना न्यूट्रिशन और कितना समय चाहिए। 1960 में उनकी डाइवर्स नॉलेज को देखकर जब कर्नाटका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने साथ काम करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने सिर्फ 125 की सैलरी पर जॉब एक्सेप्ट कर ली। मैं जंगलों से बीज इकट्ठा करके उन्हें अपनी नर्सरी में ले जाकर बो देती थी। पौधा उगने के बाद मैं उसे वापस जंगल में ले जाकर लगा देती थी। मैंने लगभग सभी प्रकार के पेड़ उगाए हैं। यहाँ उनके सीनियर रहे यल्लप्पा रेड्डी जी ने उनमें कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। The way she is segregating the seeds, the way she is inserting the seed, the way she was pressing the soil for each type of a seed, I observed that. Then I thought she is something different. सीड्स और प्लांट्स को लेकर तुलसी जी इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करती हैं जितनी लोग सालों साल पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते, और ये देखकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सभी उनके जबरदस्त ज्ञान पर डिपेंड करने लगे। एंड गिवन फुल रिस्पांसिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज व्हिच वी डिडंट हैव एनफ टेक्निक एंड नॉलेज ऑफ सीड बायोलॉजी और रीजनरेशन टेक्निक्स। And she has done that work very successfully. तुलसी जी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये सफर 60 साल का था। यहाँ उन्होंने अपना हर कदम बस इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए उठाया। आपको पता है, उन्होंने लोकल प्लांट स्पीशीज की 300 से भी ज्यादा वैरायटीज के लाखों पौधे उगाए हैं। और तुलसी जी के एफर्ट्स आज इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटका के इस ग्रीन हैबिटेट को बचाना जैसे तुलसी जी का मिशन बन गया। उन्होंने अकेले ही गांव-गांव जाकर लोगों को प्लांट्स उगाने की ट्रेनिंग दी और हर साल लगभग 30,000 सैपलिंग्स भी बांटे। OMG, तुलसी जी के इस ग्रीन मूवमेंट के लिए उन्हें सम्मानित किया गया कई अवार्ड से। और अपनी पूरी जिंदगी एनवायरमेंट को समर्पित करने के लिए 2021 में इन्हें मिला पद्मश्री। तुलसी जी, आप वाकई हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसे दौर में जहां दिन ब दिन फॉरेस्ट घटते जा रहे हैं, आपने हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का जो सबक सिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपके बेशुमार कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए OMG आपको सलाम करता है।